सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों आज हम पहुँचे जुलाना और फिलहाल मौजूद हैं कांग्रेस के ऑफिस में। यहाँ काफ़ी संख्या में किसान बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। इनसे थोड़ी राय लेंगे, किसको बनाना चाहते हैं, किसको ये देश में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आइए मेरे साथ और ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बैठी यहाँ पर प्रधान जी टोरा दून, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हो? बढ़िया भाई, ठीक हो, स्वास्थ्य से? हाँ। प्रधान जी, अभी देश में पूरी आंधी आई हुई है, यानी पूरा तूफान हुआ है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, बीजेपी कहती है हमारा बनेगा। आखिर में आप तो बहुत पुराने राज घराने से हो, किसको देखना चाहते हो प्रधानमंत्री? किसको देखना चाहते हैं? पूरा हिंदुस्तान बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहता है। बीजेपी का कहना है हमने जो देश को नई दिशा दी है वो अब तक किसी ने नहीं दी है। कांग्रेस का 60-65 साल तक राज रह गया, कुछ नहीं करया, और हमने 10 साल में करके दिखा दिया। अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस का। यूक्रेन ने कहा है कि हमारे को मोदी बचा सकता, हमारे को भारत बचा सकता है। वो तो मोदी बता सकता है भारत, यूक्रेन से जाके पूछो आप देश की हालत के बारे में। कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है आज तक, 70 साल के राज में जो 60 साल का राज है कांग्रेस ने इस देश को खड़ा किया है। अर्थव्यवस्था क्या थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शी सोच की वजह से सारा देश एक हुआ है। और उस देश का आज 10 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी शासनकाल में तहस नहस किया है, आज पूरा देश उस छुटकारा पाने के लिए एकजुट होकर के आज बीजेपी सत्ता से बाहर करने चला है। जनता को सच्चाई सारा पता है। मोदी जी का कहना है, आप देखो ऐसे रोड ऐसी सड़क कभी नहीं बनी थी हिंदुस्तान। मोदी जी का कहने के ऊपर ये देश नहीं चल रहा, देश का तो बेड़ा गर्क हो चुका, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो चुका, बेरोजगारी आवी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, 750 किसान शहीद हुए थे, किसानों को हक नहीं मिल रहा, देश के अन्नदाता को हक नहीं मिल रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर जो 43% रोजगार पैदा करता था आज 22% पाए खड़ा हो गया, जो GDP के अंदर एग्रीकल्चर का योगदान 4.5% रहा करता आज 2% रह गया। इस देश का तो तहस नहस की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया। आज अर्थव्यवस्था क्या है? कांग्रेस ने क्या किया किसानों के लिए? कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र के अंदर कांग्रेस ने ये कहा है कि MSP की गारंटी, लीगल गारंटी दी जाएगी स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से, C2 फार्मूले के हिसाब से। कांग्रेस ने ये कहा है, कांग्रेस ने ये कहा है कि सत्ता में आने के बाद जो किसान के खेती के उपकरणों में काम आने वाले ट्रैक्टर हैं, उनके स्पेयर पार्ट हैं, खाद है, बीज है, जो किसान की खेती में काम आते हैं उस पर GST लगा हुआ था 28%, GST खत्म किया जाएगा। कांग्रेस ने ये कहा है। कांग्रेस ने लंबे टाइम तक राज किया है, कांग्रेस ने क्यों नहीं MSP दी? कांग्रेस लंबे समय तक राज किया, कांग्रेस अब MSP देने लग रही है ना, अब MSP लो आप, जो कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र दिया तो अब कहने लग रही है बात, तो अब की है, आज आपकी बात करोगे, अब 1952 की बात करोगे, आज 2024 की बात कीजिए। 24 में क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या है मोदी ने कोई एजेंडा दिया है? मोदी जी पास कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो आपके मंगलसूत्र उतरवा लेगी, कांग्रेस आ जाती है तो दो भैंसे आपकी एक भैंस ले लेगी, कांग्रेस आ जाती है तो आपके एक्सरे लगा करके दो घर है तो एक घर ले लेगी। मोदी जी के पास एजेंडा क्या है? रोजगार का एजेंडा मोदी जी के पास नहीं है, इस देश की तरक्की का मोदी जी के पास नहीं है। आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल दो लोगों के लिए और दो आदमियों के द्वारा चलाई जा रही है, यह आज देश समझ चुका है। एक कांग्रेस पार्टी तोमन लगा रही है बीजेपी के बार बार, आज ये तो संविधान बदलेंगे देश। तो आज मोदी जी की स्टेटमेंट पढ़ी है ना आज की, आप अगर पत्रकार हो आप इसका अज्ञानी हो, मोदी जी ने आज कहा कि 400 सीट क्यों चाहिए? 400 सीट इसलिए चाहिए कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, मोदी जी ने खुद कहा है। उन्होंने आज लोगों को भ्रम में डालने के लिए कह दिया कि कहीं बाबरी ताड़ा राम मंदिर पर ना लगवा दे कांग्रेस, इसलिए 400 सीट चाहिए, कहीं 370 धारा तोड़ के कश्मीर को फिर अलग ना कर दे, इसलिए 470 चाहिए। मोदी जी ने ये कहा कि कांग्रेस धर्म के ऊपर आरक्षण देने जा रही है मुसलमानों को, वो नहीं देना इसलिए 400 सीट चाहिए। कांग्रेस ये कुछ भी नहीं करने जा रही, हम तो पूरे देश की बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने यही कहा है कि हमें भागीदारी चाहिए, हम पूरी जनता के हर हिस्से को बराबर की भागीदारी दें। कांग्रेस पार्टी ने कही है, क्यों नहीं कह रहे? पूरे देश से डिमांड उठी हुई है कि भाई हमारे देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जाति भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये क्यों नहीं करे मोदी जी? उनको पता है कि हालत खराब है इनकी, आज इसको धर्म के आधार पर देश को बांटने के लिए। श्रीमान जी ये बहुत पुरानी कहावत है, सन 1600 अंदर कही थी
कि जिस देश का नुकसान करना हो, जिस देश को ख़त्म करना हो, धर्म का चादर उड़ा दो, देश अपने आप ख़त्म हो जाएगा। वो आज मोदी जी ने किया है। राम मंदिर बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन रोज़गार कहाँ है? आज बेरोजगारी कितनी हावी है, रोज़गार कहाँ है? आज धक्के खाते फिर रहे हैं। हरियाणा के अंदर किया गया सोशल रोजगार, ये हमारे जो ये HKRM है, इसके हिसाब से आज लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब जो कह रहे हैं पर्ची खर्ची नहीं, आज जितना भ्रष्टाचार हरियाणा में कहीं भी नहीं है। किस प्रकार की आपने देखा, किस प्रकार शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, आज किसी की जांच हुई, किसी को दोषी पाया गया? आज ये नाप शनाप बात कर रहे हैं, समझे नहीं आप। प्रधान जी, सरकार का कहना बीजेपी का, हमारे राज में बगैर पर्ची खर्ची कुछ नहीं लगा, तो गरीब से गरीब लगे हैं, तो सरकार कांग्रेस में लगे। अरे 4.5 करोड़ की टैची वहाँ मिली है HPSC के सेक्रेटरी के पास, वो क्यों नहीं मुकदमे हुए, कहाँ गए पैसे? जब हरियाणा के अंदर स्पष्ट रूप से टैची मिली सेक्रेटरी के पास HPSC की, कहाँ गई वो? डेंटल सर्जन के कांग्रेस में सारे ईमानदार हैं, कांग्रेस में सारे ईमानदार, कांग्रेस में ईमानदार आएंगे, आपको कैसे पता? आएंगे, आएंगे। आएंगे। आप बताओ ना, कांग्रेस किसी नेता ने क्या किया? बताओ आप क्या किया? मैं बताता हूँ किसने क्या किया, आप बताओ क्या किया? कोई बात नहीं, आप भी बोलो। आप बताओ ना क्या किया? कोई बात नहीं, तो मैं बता रहा हूँ। HPSC के अंदर सरेआम घोटाला किया गया, सरेआम भ्रष्टाचार किया गया, वहाँ आपके सामने था 4.5 करोड़ रुपए नकद पकड़े गए, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कहाँ गए वो? अभी किसान की आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं सुनी। बीजेपी का कहना, हमने 6,000 रुपये साल के प्रश्न कर दिए किसान की, 2000 राशि बढ़ जाएगी। 2011-12 में 72 लाख करोड़ रुपए इसी कांग्रेस ने, मनमोहन सरकार ने माफ किए थे, ये करो ना। आज 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ कर दिए, 16 लाख करोड़ रुपए आप देश के अंदर किसानों को देते, आज दुनिया ही बदल जाती, रोजगार देते, आज रोजगार हो जाता। अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं, आप जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ गई, 1,00,000 रुपए खत्म, खटाखट खटा। राहुल जी कह रहे हैं, कहां से आएंगे? है ना इतना पैसा? अरे तो है ना, जब ये आएंगे? अरे जब ये मोदी सरकार 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकती है, पैसा कहां से आया? कहां से आया पैसा? ये 16 लाख करोड़ रुपए हम बांट देंगे। आज इन्होंने अरबपति बनाए, यहाँ लखपति बनाएंगे। 16 लाख करोड़ रुपए कहीं से आए होंगे, इसी प्रकार यहाँ भी आएंगे। चलो प्रधान जी, ये बता दो, कांग्रेस पार्टी की टक्कर किससे है? कांग्रेस पार्टी टक्कर किसी नहीं, कांग्रेस पार्टी हर सीट जीत रही, हरियाणा के अंदर 10 की 10 जीत रही, टक्कर है ही नहीं। 10 की 10 ले जाएंगे? 10 की 10 ले जा रहे हैं। आगे बस 10 है हरियाणा में, 10 ही है, 10 ले रहे हैं। हमारे साथ एक और नौजवान जुड़े हैं, सियाग साहब। सियाग साहब, आपका भी स्वागत है टुडे दूर पे। जी, आपके, आपको और आपके दर्शकों को मेरी ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए, और आपका स्वागत है सभी का। ब्रह्मचारी जी को कैसी बलूर्जा मिल रही है, कितना प्यार मिल रहा है गांव से? देखिए, करेला जमोला से, ब्रह्मचारी जी को करेला जमोला की बात नहीं है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में ही लोगों का बहुत प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, और लोग बिल्कुल 25 तारीख का बेसब्री से इंतजार करेंगे, कब 25 तारीख सुबह नहा धोकर हाथ का बटन दबा के इस गूंगी बहरी तानाशाह सरकार को चलता करे, और इस देश की जो व्यवस्था शुरुआत से भाईचारा और आपस का मेल जोल जो है वो दोबारा से कायम किया जाए। तो किसान के हक में कुछ रणनीति बनाई कांग्रेस पार्टी नहीं? किसान के हक में रणनीति की बात तो यह है, देखो आज किसान के पास सबसे बड़ा मुद्दा जो है MSP का है, और ये MSP 2014 के घोषणा पत्र में BJP लेके आई थी, इसको मुद्दे को बनाने वाली BJP है, लेकिन ये अपनी बात से मुकर गए, और कांग्रेस ने ये वायदा किया है अब कि हम C+2 MSP हर किसान को, हर फसल को देने का काम करेंगे, और ये वायदा तो था BJP सरकार का जो अपने वायदे से मुकर चुकी है, लेकिन कांग्रेस इसको पूरा करेगी। प्रधान जी, BJP का कहना है हमने खिलाड़ियों का बहुत मान सम्मान कराया है। खिलाड़ियों का अगर मान सम्मान वास्तव में किया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने हरियाणा में उनके शासनकाल में करके दिखाया है, पदक लाओ और पद पाओ। BJP ने तो ख़त्म किया है, और पिछली बार भी देखा आपने कि जिस प्रकार एकमात्र ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी मलिक के साथ दुर्दशा हुई, इन बच्चियों के साथ जो दुर्दशा हुई वो आपके पूरे देश के सामने हुई, आज उसी दोषी को फिर उसके बेटे को टिकट दे दी, उसी दोषी को फिर लेके आ रहे हैं, उसकी कोई जांच तक नहीं हो रही, उसकी मुकदमा नहीं चलाया देने दिया, उसको दोषी नहीं बनाया जा रहा। बीजेपी का कहना ये कांग्रेसी जो नेता उन्होंने बका रखे थे पहलवान। नहीं नहीं, कांग्रेस नेता नहीं है, पहलवानों का दर्द अगर समझते तो आप ये प्रश्न ही ना पूछते।
अगर पहलवानों का, लड़कियों का दर्द, अगर महिलाओं का दर्द समझते तो आप ये प्रश्न ना पूछते, आप ये कहते कि बीजेपी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। जिस जिस देश जिस शासक के शासनकाल में महिलाओं की जितनी होती उस शासनकाल को रहने का कोई अधिकार नहीं है वास्तव में। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ परमेंद्र जी और श्याग साहब और बनेरी टोला के साथ। मैं हूँ जोड़ा से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।